हुजूम देखकर रास्ता नहीं बदलते हैं हम, हुजूम देखकर रास्ता नहीं बदलते हैं हम, किसी के डर से तकाजा नहीं बदलते हैं हम। हजार जेरे कदम हो रास्ता खारों का, हजार जेरे कदम हो रास्ता खारों का, जो चल पड़े तो इरादा नहीं बदलते हैं हम। इसीलिए तो नहीं मोतबर जमाने में, इसीलिए तो नहीं मोतबर जमाने में कि रंग सूरत दुनिया नहीं बदलते हैं हम। जहद नुशाही साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब इस्तेमाआप, जनाब रहमान मकबूल साहेब, सदर सेंट्रल पंजाब पाकिस्तान अवामी तहरीक, मोहतरम जनाब राना शहजाद साहेब, डिवीज़नल जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान अवामी तहरीक, मोहम्मद असद अली गोंदल साहेब, ज़िली सदर पैट, और डॉक्टर बहार शफाकत अली साहेब, ज़िली सदर जनरल सेक्रेटरी पैट। आप सब जानते हैं कि जिक्र उसका किया जाता है जो जिक्र करने की काबिल होता है, बात उसकी की जाती है जो बात करने के काबिल होता है। आज ऐसी ही पर्सनालिटी हमारे दरमियान मौजूद है, मैं जिनको बुलाने के लिए जा रहा हूं, जिनको जिनका जिक्र मैं करने के लिए जा रहा हूं। तो जाने बुलाने से पहले एक शेर उनके नाम के, गुले दाऊदी कहूं या गुले जाना कहूं, गुले दाऊदी कहूं या गुले जाना कहूं, या कुछ यूं कहूं, तू देखता है तो चलती है नब्ज़े मैखाना, तू बोलता है तो जाम भी रक्स करते हैं। अब आपकी पुरतबाग तालियों में मैं दावते खिताब दे रहा हूं, जनाब मोहतरम जनाब जनाब रेहान मकबूल साहेब, सदर सेक्टर पंजाब अवामी तहरीक, खड़े होकर इस्तकबाल कीजिएगा आपके पुरतबाग तालियों में। क्लैपिंग का सिलसिला जारी रखिए, तशरीफ रखिए, तशरीफ। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मद। मोअज़्ज़ज़ कायदीन, पाकिस्तान अवामी तहरीक, तहरीक मिनहाजुल कुरान, मिनहाज यूथ लीग और PP 59 के दूर दराज के इलाकों से तशरीफ़ लाने वाले और मुकामी गांव से तशरीफ़ लाने वाले मेरे इज़्ज़त माँ भाइयों बेटो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, इन दोस्तों ने मेरी तारीफ इन्नी कु कर छड़ी है कि मैनु आप ही शर्म आ पई। मैं इमानदारी की गल आया तो मिलन, इन्हें मैं स्टेज पर खिलार के ज्यों बनने शुरू कर दते ने बल्ले बल्ले। मैं एक आम जे आदमी हाँ, सच्ची गल दिल च हसरत सी पे हमायों चिट्ठा साहब एक बड़े तगड़े कारकुन ने, इन्होंने PP अपने हल्के इन्होंने आख्या जी असी डॉक्टर तहरुल कादरी साहब का डंका बजाया तो उन्होंने नाँ जिंदा रखे तहरीक का। मैं क्या अच्छा यार चलो मैनू भी कितने सदो, मैं भी अपने उन्होंने भाइयों को मिलना जिदे मुतलक साडे कायदे होंगे ने कि यार जिदे तुसी दुनिया के यार होंगे हो ना अगले जान च जाके भी उन्होंने तुसी यार ही रहना। तो जेडे मेरे यार ने जेडे इस तहरीक के साथी ने, अगां असी जाइए तो किसी पछाणिए ही ना, फिर यारी कदी हुई छोलिया का वाढ़ी होया ना। हसया करो यार, हसया करो, असी कोई तकरीर नहीं करनिया, हसी द। अच्छा दोस्तों, अरज ये वे कि मेरे ते तुहाडे बजुर्गां पाकिस्तान बनाया और पाकिस्तान बनाने लई अनगिनत कुर्बानियां दित्तियां। मैं दास्ताना वो बयान करां तो बड़ियां लम्मियां ने भी किस तरह साड़ियां भैणां ने अपने भाई कुर्बान किए, जवान नौजवान जिहड़ी आ ब्याहता सन दुल्हना सन, उन्हां नूं रात भी नसीब ना होई तो उन्होंने अपने सुहाग लुटाए। इस सारियां कुर्बानियां तो बाद सानूं इह वतन हासिल होया। साडे बुजुर्गों ने एक ख्वाब वेख्या सी वी यार साडियां आउण वालियां नस्लां जिहड़ियां ने ना इस पाकिस्तान दे विच पूरी आज़ादी दे नाल खुशहाल जिंदगी गुजारन। पाकिस्तान इसलिए हासिल किया सी ना, कुर्बानियां इहो ही सन। इंज ही है तुहानू सारयां नू बड़ी बड़ी मुबारक होए कि तुसी अज पाकिस्तान दे विच बड़ी बेहतरीन और खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हो।
हाँ जी नहीं वो दसो यार वो पाकिस्तान दे वेच तुसी बड़ी सौखी जिंदगी गुजारन डे हो ना नहीं औखी लगती है। अच्छा चलो ये जेड़े आंदे ने भी पाकिस्तान दे वेच साढ़े बुजुर्गां कुर्बानियां दित्तियां जरूर सन लेकिन ऐ ओ पाकिस्तान नहीं जिदे लई उन्हां ने कुर्बानियां दित्तियां सन। इस पाकिस्तान दे वेच अज गरीब आदमी लई जिंदगी बड़ी औखी हो गई है उधर हाथ खड़ा करो सारे। अच्छा जेड़े जेड़े दोस्त समझते ने भी नहीं सौखी जिंदगी है पाकिस्तान चो हाथ खड़ा करो शुक्रिया। एक भाई हुरी है ने ओ तो चलो बच्चे ना उधर है जिंदाबाद। अच्छा अरज ए वे कि साड़ी है जिंदगी की तबाही लाने वाले किहड़े लोग ने कभी गौर किया भी पाकिस्तान नू इस मुकाम ते पहुँचाने वाले लोग और साढ़े अबाओ अजदाद दियां कुर्बानियां नू जाया करने वाले लोग जिहड़े ने ओह कौन ने। हाँ जी जिंदाबाद यार उन्होंने आता आप ही ठीक है। मैं समझना ये ठीक है आवाम दो तबके ऐसे ने दो तबके जिन्होंने इस्लाम का और पाकिस्तान के आवाम का बेड़ा गर्क कर दिता। नंबर एक ओ नाम निहाद मुल्ला सारे मौलविया नहीं मैं मत मेरे ते फतवा ला दो ओ नाम निहाद मुल्ला जिन्हें दीन नू सारे दे सारे दीन नू चुक के ते सिर्फ मस्जिद च बंद कर दिता। उन्हें कहा मस्जिद दे विच जो कुछ चंद इबादत ने ना वो दीन है। और दूसरे वो बदबख्त सियासतदान जिन्होंने खिदमत खलक वर्गा मुकद्दस शोभा जिहड़ा सी सियासत उन्हू लुटमार बना लिया। ये मेरी गल ठीक है या एवें मैं गलत अपने कोलों आना पिया तुसी समझते हो। अच्छा ये दो बंदे ही अज का मेरा मौजू ने इन्हों का मैं इलाज करना है एक तो मौलवी और दूसरा सियासतदान। मुल्ला ने काम यह किया दोस्तों अल्लाह ने 1,24,000 कमोबेश पैगंबर दुनिया से भेजा किसी एक पैगंबर नू एक नबी नू ये नहीं आख्या कि तू फलां जंगल च चला जा तू फलां पहाड़ ते चढ़ जा तू फलां रेगिस्तान च चला जा ते उत्थे जा के मेरा जिक्र अजकार शुरू कर दे। अगर तुहाडे ज़हन च किसी ऐसे नबी का ना एक का भी है 1,24,000 चो तो मैं दसो। अल्लाह ने कुल्लो हम नबी इस दुनिया से भेजे कि तुसी दुनिया से जाना है तो मेरे आ लोग बेचारे जेड़े ने ना इन्हां दी खिदमत करके इन्हां नू हक का राह विखाना है लोगों की फलाह करनी है लोगों की बैटरमेंट करनी है जेड़े फिरौन दे निजाम दे उते शिकंजे हुए लोग ने इन्हां लोगों नू बेचारे नू उतां विखाना है। ये भी गल ठीक है इन्नी कु ठीक है गल। अच्छा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जदों वारी आई आप इत्थे दुनिया ते तशरीफ ले आए ते अल्लाह ताला कुराने पाक च तीन मुकामात ते कायत मुबारक उतारदा है जिदे च दसदा है कि मैं अल्लाह कौन आ ते मैं मेरा महबूब कौन है ते मैं इन्नू किस मकसद लई भेजिया हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा वदीन अलहक ले युज़हिरहू अलद्दीन कुल्ले हुवल्लज़ी अल्लाह आंदा मैं रब पता किहड़ा वा हुवल्लज़ी मैं ओ रब आ अरसला रसूलहू जिन्हें अपने प्यारे महबूब हजरत मुहम्मद मुस्तफा नू दुनिया ते भेजिया अपनी यानी शनाख्त कराई ते हजूर दी राही करवाई अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीन अलहक दो चीज़ा मैं उन्होंने दे के भेजे अपने महबूब नू एक हदायत और दूसरा दीने हक ले युज़हिरा हुआ लदीने कुल्ले ताकि दुनिया के उत्ते जिन्हें भी जालम और झूठे निजाम ने ना दीन ने उन्हें सारे दीना के उत्ते दीने इस्लाम नू गालब कर दे। कादे लई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए दीने हक दे गलबे लई दसो गलबे दीने हक हाली भी समझ ना आए तो हजरत इकबाल ने फरमाया मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी मैं इसीलिए मुसलमान मैं इसीलिए नमाजी मेरिया मुसलमानी और मेरिया नमाजा का मकसद की है दीने हक का गलबा। मैं एक सवाल थोड़े तो दोस्तों के करन लगा इंतहाई माल रखना आ जेड़ा दीने हक
अल्लाह ने नबी नू भेजा कि ये जाके तुसी दुनिया नू दसना है और दुनिया को ये करवाना है, इनू गालिब करना है। दोस्तों ये दीने हक की है, ये केड़ी बला दा ना है, ये दसो। मेरा सवाल है सारे आगे, यार खामोश क्यों हुआ? बड़े बड़े उलमाए कराम बैठे हैं ना, तशरीफ रख दे। दीने हक जिन्हू नाफिज करन लई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया ते तशरीफ ले आए, और जिन्हू नाफिज करन लई 1,24,000 पैगंबर भी आए, वो दीने हक की है? अच्छा चलो मैं थोड़ी मदद कर देना। अगर कोई दोस्त समझता है दीने आके नमाज पढ़ने असी फराइज, नमाज रोजा जकात हज ते फराइज जेड़े ने ये दीने आके, वह हाथ खड़ा करो हजरा साहब, शाबाश, वो कर दियो, मैं ही कर देना, मैं भी तो यही समझना, करो जेड़े समझते हो यार करी नहीं। अच्छा तुसी समझते हो नहीं ये दीने हक, चलो इन करने यार कुराने करीम नू पुछने, मिनहाजुल कुरान वाले ना असी, कुरान का रास्ता ते कुराने करीम नू पुछना। अच्छा कोई ऐसी आयते मुबारक तुहाडी नज़र चो कुराने करीम की गुजरी हो जिदे च डायरैक्ट लफज दीने हक या दीन इस्तेमाल किया हो? अल्लाह ने आख्या हो भी ए दीन है, अल्लाह ने इन्होंने फरमाया जी के उन्होंने दसिया भी जेड़ा दीन है वह दीन है इस्लाम है, ये कोई शक नहीं, लेकिन यदि डेफिनेशन की है कि शह का ना दीन है, बला कि है? मैं ना जनाब ए हमायों मुजफ्फर ततला साहब आ ने उत्थे खलोता बंदा तो नहीं ना आ सकता कि मैं भी हमायों मुजफ्फर ततला वा। दीने हक शह की है? उन्होंने फरमाया कि आरा ये तो लजी बिदीन, बिदीन का लफज आया वो तो आख्या गया जोड़ा दीन में जुटलाने वाला भी मैं पढ़ना अगे। अच्छा दोस्तों सूरा बलद लिख लिया करो, कभी गौर करया करो जाके, सूरा बलद आयत नंबर 13-14 अल्लाह ताला कुरान पाक फरमांदा है वमा अदरा कमल अकबा, और तुम क्या जानो कि दीने हक की घाटी क्या है? वमा अदरा का मल अकबा, और तुम्हें क्या खबर कि दीने इस्लाम की असल क्या है? अगली आयत अल्लाह ताला फरमांदा है फको रकबा, लोगों दियां गुलामी और महकूमी तो गर्दना नू आजाद करवाना दीने हक जे। अच्छा सिर्फ गल इत्थे खत्म नहीं हुई, सिर्फ इन्हें नहीं आख्या, तुसी आखो यार एक आए तो तुसी लब लब के कितों लब ली होनी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जदों तारीफ खुदा ने की ना भी ये नबी जिहड़ा है की करदा है, अल्लाह ताला फरमांदा है वयज़ाओ अनहुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम, जेड़ी गुलामी दियां जंजीरां दे विच इंसानियत जकड़ी हुई सी ना, उन्हां जंजीरां तो लोगां दियां गर्दनां नूं आजाद करवाना मेरा मुहम्मद मुस्तफा जे। ठीक हो गया जी? अच्छा जेड़े दोस्त होने समझते सन भी नमाज रोजा ज़कात ये दीन है, उन्होंने अर्ज कर दिया कि जदों ये आयते मुबारक नाजल हो रही थी ना उदों ना हाली नमाज फर्ज हुई सी, ना हज फर्ज होया सी, ना जकात फर्ज हुई सी, ना रोज़ा फर्ज होया सी, यानी उदों फराइज है ही नहीं सन। इस तो अगर कोई ये समझता है कि इन चीज़ों का ना दीन है तो बिल्कुल गुमराही दे, ये चीज़ा उदों है ही नहीं सन, यानी फर्ज नहीं सन, और यह तो फर्ज हुई ने जाके मदीना शरीफ के। सो दीने हक सिर्फ लोगों की बैटरमेंट का नाम है। अच्छा आओ अलामा साहब ने सूरा माउन पढ़ी है, बड़ी प्यारी सूरा मुबारक है कुरान पाक की, अल्लाह ताला आंदा है अराई तल्लाजी युकज़िबु बिद्दीन, इत्थे भी दीन भी खुले कने वेखो दीन आंदा अल्लाह किनू में पिया, अराई तल्लाजी युकज़िबु बिद्दीन, लोगो क्या तुमने देखा है ऐसा शख्स जो दीन को जुटलाता है? इतने तो दीन वो जुटलान दिया है, अराई तल्ला जी युकज़िबु बिद्दीन फजाली कल्ला जी यदूल यतीम, ये बंदे नू पछाण लो चंगी तरह है वो ही जेड़ा बेचारे यतीमा नू धक्के मारदा है, वो लोगों नू धक्के मारदा है ते मस्जिद च बह के नमाज़ां पढ़ी आउंदा है। अच्छा अराई तल्ला जी युकज़िबु बिद्दीन फजाली कल्ला जी यदूल यतीम
वला यहुद्दू अला तौमिल मिसकीन, ते मसकीन नू खाना नहीं जे खवांदा। एडा बदबख्त बंदा है, खाना मसकीन नू नहीं खवांदा। ए दीन नू जुटना वाले बंदे दीयां खसूसियात दसियां। अगली आयत कमाल अल्लाह ने कर दी। अल्लाह ताला फरमांदा है फवैलुल लिल मुसल्लीम अल्लज़ीना हुम मन सलातिहिम साहून, तबाही है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाजों से गाफिल है। या अल्लाह, तबाही तो है मेरे वर्गे नलायक आदमी लई जिन्हें कभी नमाज पढ़ ली तो कभी बेचारे को रह भी जाती है। अल्लाह आंदा नहीं, तबाही है उन नमाजियों के लिए, नमाजियों के लिए। हुमन सलातिहिम साहून, जो नमाज की रूह से गाफिल है, जेड़े रयाकारी करते ने और आम बंदे दे इस्तेमाल दिया चीज़ा लोगों का बेनीफिट नहीं करते उन्हें लोगों ने। अच्छा दोस्तों, अगर हाली भी तुहानू दीन की समझ ना आए तो आओ एक चक्कर करबला के मैदान चो लाइए, पता करिए भी दीन की है। हज़रत इमामे हुसैन अलैहिस्सलाम वो हस्ती ने जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान अतहर तो ना सिर्फ जन्नती बल्कि जन्नती नौजवानों का सरदार होने की गरंटी दी। इतने तक ठीक है गल? आओ वेखिए भाई आ जी गरंटी है, ये इबादत चे या बनीनो इंसान की खिदमत यानी सियासत वो वेखिए। जरा अठ ज़िलहज का दिन, सारी दुनिया फर्ज हज अदा करने लिए मक्का जा रही, सारी दुनिया मक्के चली है जी फर्ज हज अदा करना है। हज़रत इमामे हुसैन मक्का च तशरीफ फरमा ने, अपना पूरा खानदान नाल ही उन्होंने, उन्होंने पता लगता है कि ओ कूफे दे विच करबला दे मैदान च यजीद ने जालम जुलम का निज़ाम बंदियां ते कायम किया है, बंदियां नू गुलाम बना के रखे है। लिहाजा आप फरमाते ने मेरा दिल नहीं करता कि नाना का प्यारा शहर छड़ा, लेकिन अगर लोगों नू यजीद दे जुल्म तो बचाने लई ना निकला तो मेरी पकड़े। लिहाजा आप निकलते ने, आप निकलते ने और सारे का सारा खानदान करबला के मैदान च जाके कुर्बान कर देंगे ने। सानू ये दर्श देंगे ने कि लोगो दीन महज नमाज रोज़ा जकात जिक्र अज़कार और तस्बीह तवाफ नू मत समझ लियो, बल्कि दीन दी असल किसी जालम और जाबर सुल्तान के खिलाफ डट जाना और कलमा हक बुलंद करना। दोस्तों सवाल मेरा बड़ा सीधा है, बदकिस्मती दे नाल जेड़ा असल दीन सी उन्हूं साडे अकलमंद सियाने और तुहाडे वर्गे शरीफ लोगों ने उन्हूं गंद जान के ते तो किनारा कर लिया, दफा करो ये गंद। इहो ही वजह सी कि यह फील्ड दे उते सियासत दे उते प्योर जेड़ा असल दीन है उहदे उते चोरां डाकुआं बदमाशा और बेईमाना ने कब्जा कर लिया। मैं समझना असी सारे ये मुजरम हाँ कि शरीफ आदमी जिन्ना चिर इकतदार च ना पहुंचेगा उन्ना चिर पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं हो सकते। अरज सिर्फ इन्नी है, पाकिस्तान अवामी तहरीक तुहाडे कोलों यह तकाजा कर दी है कि क्या तुसी दयानतदारी नाले समझते नहीं कि अज पाकिस्तान दे विच यजीदी निज़ाम ही राए जे, और किस तरह मुमकिन है कि नवासा रसूल फरमान कि अगर मैं लोगों नू दे हालात बदलन लई करबला दे मैदान च नहीं जाता तो मेरी पकड़े। तो इस कौम दे हालात नू बदलन लई अगर लोग नहीं उठते तुसी ते मैं और सिर्फ मस्जिदां तक कैद होकर रह जाने तो क्या साड़ी मेरी और तुहाड़ी पकड़ नहीं? दोस्तों दूसरा तबका जिन्हें इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया वह भी सुन लो गौर ना। मेरी लगता मैं तकरीर तो नहीं हो रहा बी, तकरीर ही लग रही है ना। अच्छा यार एक सी हनस ते एक सी हनसनी, हसया करो यार। दोस्तों एक सी हनस ते एक सी हनसनी, दोवें कितरों ना उड़दे आउंदे सन, शाम पै गई रात पै गई, उन्हें आख्या भी यार इंज करने आ ना पिंड वाह सोहना नजर आंदा है
चानण जे आ ते दरख्त भी बड़ा प्यारा ते इहदे ते बह जांदे आ रात कटने आ बचिया खुचिया पिंड वालियां दा खावांगे आराम नाल रात गुजर जाएगी सवेरे उठांगे ते उड़ जांगे। वो दोस्तों हंसनी जिहड़ी है ना वह आंदी है भी वे हंसा ए पिंड उजड़िया पुजड़िया जिहा लगता है कोल दी शाख ते एक उल्लू बैठा सी वह उल्लू ने अपनी आवाज़ कड़ी वह बोल पिया जदों उल्लू की आवाज़ सुनी ना तो हंस नूं फौरन ख्याल आया उन्हें आख्या करम वालीए जेड़े पिंडां दे विच उल्लू बोलन वह पिंड भी कदी वसे ने वह उजड़े ही हुंदे ने। अच्छा वह उल्लू ने सुन ली गल उन्हें आख्या तुहाडा मैं कर लैना इलाज तुहानूं मैं दसना पिंड कि उजड़े ने वह चुप कर रहा। सुबह हुई तो हंसते हंसनी तैयारी त्यूरी करके तो उड्डन लगे उल्लू ने हंसनी नूं गुट तो फड़ लिया उन्हें आख्या ना तू बीवी मेरी है हंसदी नहीं। यार मैं तुहानू खबर सुना दिया तुसीं तां परेशान हो। वह उल्लू आंदा है भी यह जिहड़ी बीवी है ना यह हंसा तेरी नहीं है मेरी है। वह हंस बड़ा परेशान होया उन्हें आख्या तू जात दा उल्लू ये हंसनी तू गल किधर दी करना तू पागल हो गया। उन्हें आख्या जे तुहानू कोई तेनू वही इतराज़ है तो फैसला पिंड दी चदराटों करवा लैने भाई कट्ठे हो के तीनों जने उल्लू बड़ा खुश भी चौधरी ने मेरे खिलाफ फैसला कर देने ये उल्लू वे मैं हंसा ये हंसनी तुर गए। चौधरी ने दोवे ने गल सुनाई जो तो चौधरी आते ने उल्लुआ उल्लू दिया पठिया तेरा दिमाग ठीक है तू किधर की गल कर नस्लें ही बदल दी जानवर दियाँ भी। उन्हें आख्या ये नहीं तेरी बीवी हो सकती। उन्हें आख्या चौधरी जी गल जो मर्जी कर लियो फैसला अगर परा हो के मेरी गल सुनो। उन्हें परा खड़ के उन्होंने आख्या यार गल सुनो मैं पूरी जिंदगी तुहाडे इस पिंड च कढ़ी तुहाडा बचिया खुचिया खाधा गंद पैण नहीं दिता मैं तुहाडे पिंड दा उल्लू हाँ ऐ हंसते हंसनी ने हुणे इत्थों उड्डना है परत के पूरी जिंदगी तुहानूं नहीं लभना ते मैं तो तुहाडा अपना उल्लू हाँ लिहाजा फैसला मेरे हक च करो। चौधरी आख्या यार गल तो सियाणी करदा पिया। चौधरी ने फैसला दे दिता भी ये बीवी हंसदी नहीं ये उल्लू दी है। वह परेशान हो गए तिने ही जने परेशानी की हालत च आ गए। उल्लू हंसने बेचारे ने कित्थे जाना सी वह भी वापस दरख्त ते आ गया हंसनी भी आ गई उल्लू भी आ गया। उल्लू जड़ा ना जी उन्हें आख्या हंसा गल सुन ये बीवी तेरी है ते तेनू ही मुबारक होए मैं इनू की करना तेनू सिर्फ ये दसना सी भई पिंड शहर या मुलक वह नहीं उजड़ते जिथे उल्लू वसदे होण बल्कि पिंड शहर ते मुलक वह उजड़ते ने जिथे उल्लू के पट्ठे चौधरी होण। दोस्तों बदकिस्मती साडी है वे कि इस मुल्क च पिछले 50 साल तो उल्लू के पट्ठिया की हुकूमत है जेडे किसी सूरत तुहाडा फायदा नहीं होने देना चाहते। पाकिस्तान अवामी तहरीक डॉक्टर मुहम्मद ताहिर उल कादरी की क्यादत च सिर्फ एक चीज़ चाहते सी मुस्तफवी इनकलाब आने। बहुत सारे दोस्त सवाल कर सकते हैं कि यार डॉक्टर ताहिर उल कादरी साहब ने तो फरमाया सी कि इस निज़ाम च रहिंदिया होया 100 वारी भी इलेक्शन लड़ लो कोई तब्दीली नहीं होनी। आखोगे ना आखना भी चाहिए यार वो तो आते सन तब्दीली नहीं होनी है तुम कितों आ गए हो आते हूँ इलेक्शन भी असी लड़ना सुन लो ये कोई शक नहीं मुलक का मौजूदा निज़ाम जिन्ना चिर रहे उन्ना चिर कोई तब्दीली नहीं होनी। लेकिन इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं असी यह दयानतदारी समझने कि इस इलेक्शन के नतीजे च मुलक च इनकलाब नहीं आ जाना इस इलेक्शन इनकलाब नहीं आ जाना लेकिन साढ़े कायद का पैगाम हर घर तक पहुँचेगा। जो तुम कैंडीडेट खड़े करोगे वो अपनी आवाज़ सारे तक पहुँचाएगा और जिथे सारे चोर डाकू बेईमान और बदमाश खड़े हो गए उत्थे शरीफ आदमी भी एक तुहाडा खड़ा होएगा। लोगों को आस और उम्मीद नहीं टुटनी चाहिए याद रखो ला तक ना तू मिन रहमत इल्ला अल्लाह की रहमत तो मायूसी नहीं होनी चाहिए। अज पाकिस्तान के हालात जड़े हो गए ने ये अवाम मायूसी अल तुर पई है लोग समझते ने पे भी जेड़ा होंदा है इमरान खान भी बड़ा अच्छा सी आपी लेकिन बेड़ा गर्क उहदा हो गया इस निज़ाम दे विच रह के वह सारा गंद जिन्ना सी वह इकट्ठा करके वह बह गया। यानी
एक तबका जिहड़ा है वह सिर्फ इस लई पैदा होया कि उन्हें हुक्मरानी करनी है, बाकी मेरे तुहाडे अरगे 99% आवाम जिहड़े ने उन्हें गुलाम ही रहना है। डॉक्टर तहरुल कादरी साहब आवाम नू इस गुलामी की जिंदगी तो निजात दिलाने लई पिछले 40 साल तो जद्दोजहद कर रहे हैं। दोस्तों तुसी हिलना है, ऐतकी पाकिस्तान अवामी तहरीक और तमाम फोरम्स ने मिल के फैसला किया है कि पूरी ताकत दे नाल ऐतकी इलेक्शन लड़ना है और इस जालम निजाम दे नाल टकराउना है। इहदे लई गुजारिश है वे कि अपनी यूनियन कौंसलां दीआं तंजीमात जिथे कोई कमी है उन्होंने फौरी तौर पर मुकम्मल करो। अज 11 तारीख है, 11 तारीख है अज। अगली 11 तारीख न दोबारा मैं तुहाडे इसे पीपी हल्के च हाजर असी हो रहे हैं, सारी टीम सेंट्रल पंजाब की भी और डिवीजन की भी हाजर इस तो हो रहे हैं कि कल्ले बंदे दे नाल कख नहीं कदी होया, बंदे भरावां नाल ही तगड़े हुंदे ने। ते तुसी जे मेरे भरा तुहानू अल्लाह दा वास्ता जे आओ दीन दी असल जिहड़ी है लोगों नू इस गुलामी और महकूमी तो निजात दवानी इहदे लई कम करिए, इस गल लई इस काज लई कम करिए। दोस्तों तुसी इह सोचदे होवोगे कि यार गल्लां ते बड़ियां सोहणियां है पर साडे करन नाल की हो जाणा, सोचदे हो ना बे तो मैं एक दो बंदे असी चार होवांगे ते असी की कर लैणा। आओ कुरान करीम तो मिसाल लईए। नमरूद ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नूं गिरफ्तार कर लिया, मैं मुख्तसर करन लिया, गिरफ्तार कर लिया ते गिरफ्तार करके हुक्म दिता राया नूं भी खुश्क लकड़ियां जमा करो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम नूं विच साड़ना है। जदों पूरी शिद्दत और हिद्दत की अग जल पई मसला यह पैदा हो गया भी इन्नी कु तेज अग है जिहड़ा इन्हां नूं सुट्टण जाएगा वह तो सड़ के साह हो जाएगा। फिर शैतान आया उन्हें मशवरा दिता, वो मशवरे नाल मंजनीक तैयार की गई, मंजनीक च पा के हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नूं दूरों अग च सुट दिता गया। जदों दोस्तों नमरूद की अग अपने पूरे जोबन ते सी, एक नन्नी चिड़ी उड़दी है अपनी चुंझ च पानी का एक कतरा करीबी नदी तो भरती है तो लिया के उस अग ते पाती है, फिर उड़दी है तो पानी का कतरा अपनी चुंझ च पाती है तो लिया के उस अग ते सुटती है। थले कोई दरवेश बैठा सी, उन्हें आखिया ओ कमलीए चिड़िए तेरे आ दो कतरिया दे नाल नमरूद की एडी वड्डी अग बुझ जानी है। उस चिड़ी ने दोस्तों एक जवाब दिता जिहड़ा साडे लई मशले राह है, उन्हें आखिया बजुर्गा पता मैनू भी है पे मेरे इन्हां दो कतरिया नाल अग नहीं बुझनी, पानी इस तो वा कि क्यामत आले दिन मेरा ना अग लाण वालिआं च नहीं अग बुझाउण वालिआं च होएगा। दोस्तों रस्ते होंदे ने दो, या हुसैनी रस्ता है ते या यजीदी रस्ता है, दरमियान च कोई रस्ता नहीं हुंदा। इंतखाब तुसी ये करना है कि क्या तुसी हुसैनी रस्ते ते चलना है या वक्त दे इन्हां यजीदां दा साथ देना है, बस तीसरा रस्ता कोई नहीं, ये अपना फैसला कर लो। हजरत इकबाल ने बड़े प्यारे लफ्जों के विच तुहानू एक पैगाम भेजिया है, बाबा जी इकबाल कलंदरे लाहौरी, उन्होंने फरमाया तुहाडे मुकाम लई, उन्हें आखिया इंसान जिहड़ा है ना इंसान ये अगर इरादा कर ले ना तो ये कोई माड़ी मोटी चीज़ नहीं। इंसान आंदा आंदा यार आ पीपी 49 वाले दोस्तो अपना मुकाम पहचानो कि तुसी शैवां की हो। हजरत इकबाल फरमाते ने खुदाए लम यजल का दस्ते कुदरत तू जुबां तू है, ए मुसलमान वो अल्लाह दा वो दस्ते कुदरत जिदे नाल वो काम करदा है वो हाथी तू है और अल्लाह दी जुबान भी तू है। खुदाए लम यजल का दस्ते कुदरत तू जुबान तू है, यकीन पैदा कर ए गाफिल के मगलूबे गुमान तू है और परे है चरख नीली फाम से मंजिल मुसलमान की, सितारे जिसकी गर्दे राह हो वो कारवां तू है। मका फानी मकियानी अजल तेरा अबद तेरा, खुदा का आखिरी पैगाम है तू जाविदा तू है और तेरी फितरत आए हाय हाय
मैं इस शेर नूं पढ़ना खुदा दी कसम रोंगटे खड़े होंदे। तेरी फितरत अमी है मुमकिनाते जिंदगानी की, वो इस कायनात ते जो भी मुमकिन है ना, जो हो सकता है वो सिर्फ तू कर सकना है। तेरी फितरत अमी है मुमकिनाते जिंदगानी की, खुदा के जौहरे मुजमिर का गोया इम्तहां तू है। बहुत शुक्रिया।